नमस्कार, गुड लक टिप्स कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज गुड लक टिप्स में हम खास चर्चा करने वाले हैं राशि फल के बारे में। राशि के अनुसार कैसा दिन रहेगा आपका, क्या कुछ आपको आज के दिन करना है और क्या नहीं करना, जानेंगे पंडित जी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज आपके दैनिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा राशि अनुसार आज आपका दिन, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आज का गुड लक टिप्स दिव्य मंत्र। जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। ग्रह गोचर दैनिक राशि फल से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशि फल के साथ। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा आज आपका दिन। आज आप परिवार और पैसों के मामलों में दोनों के अंदर आज आप व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स आज आपको बिजी रहेंगे और कुछ फैमिली मैटर्स भी आज आपको बिजी रखेंगे। मकान, भवन, भूमि, प्लाट खरीदने का मन आज आपका बन सकता है। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप को बेनिफिट हो सकते हैं। धन लाभ होने का भी योग है। आज अपने पार्टनर से बड़े वादे करने से बचिएगा। ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो आप पूरा ना कर सके। और हमारे जितने भी नौकरी पेशा दर्शक हैं, आज आपको स्ट्रेस से, तनाव से आज आपको बचना है। मेंटल डिप्रेशन में नहीं रहना है, आराम से नौकरी करिएगा। निवेश जो भी आज करें, इन्वेस्टमेंट जो भी करें, आज सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट में आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। आइए जान लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, आज के दिन को सफल बनाने के लिए किसी भिखारी को, किसी मांगने वाले को बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आइए जान लेते हैं आज आपको क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने किसी भी कार्य को पूर्ण कराने के लिए झूठ का उपयोग नहीं करना है। आज का फलसफा ये है कि आज आपको दिन भर किसी भी कार्य को पूर्ण कराने के लिए झूठ का प्रयोग नहीं करना है। आप सभी दर्शक ध्यान दीजिएगा, लाभ उठाइएगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आइए जान लेते हैं कि क्या कहते हैं आज के दिन सितारे आपके। आज नए कारोबार की, नए व्यापार की, नई नौकरी की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। अपने बिजनेस में, नौकरी में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे आने वाले समय में। सेहत को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर हमारे दर्शक अविवाहित हैं तो आज विवाह का प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है। बहुत समय से चली आ रही किसी पुरानी समस्या का समाधान भी आज आपको मिल सकता है। आज अचानक यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता है, कोई सडन बुलावा आ सकता है कि आज आपको बाहर जाना पड़ सकता है। आज के दिन को काम में लीजिएगा, ऐसे महत्वपूर्ण कामों की योजना बनाइएगा जो आपके वर्किंग सेक्टर से जुड़े हों, जो आपके फ्यूचर से जुड़े हों आने वाले समय में। आइए अब जान लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए किसी मंदिर में फलों का दान कीजिएगा। फलों का दान करेंगे, निश्चित तौर पर आपका दिन शुभ रहेगा। अब समझ लेते हैं आज क्या ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज का दिन खराब नहीं हो, उसके लिए आपको आज क्या नहीं करना है। अपनी प्लानिंग को बचा कर चलिएगा। फ्यूचर को जो प्लानिंग है उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा अभी आपको एक्टिव नहीं है, प्लानिंग बनाना शुरू कर दीजिए। प्लानिंग बनी हुई है तो आने वाले समय में वर्कआउट करेंगे उसके ऊपर,
लेकिन आज अपनी प्लानिंग को डिस्क्लोज नहीं करना, किसी को बताना नहीं है, उस पर एक्टिव नहीं होना, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कैरियर के मामलों में प्रगति के रास्ते खुलने लगेंगे, सफलता आपके कदमों को चूमेगी, अधिकारियों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, पैसों से जुड़े मामलातों में सोच समझकर फैसला लीजिएगा। जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। आपके जो देनदार हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं, जिनसे आप पैसा मांगते हैं। एक विशेष बात, आज आप जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, उसमें किसी ना किसी के साथ बहस, विवाद, डिस्कशन की स्थिति बन सकती, पोजीशन बन सकती है। तो आपको उस डिस्कशन की पोजीशन को, वाद विवाद, बहस को आज आपको टालना है, अवॉइड करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना है, आज के दिन की सफलता के लिए साबुत हल्दी की गांठ अपने पॉकेट में रख के घर से निकलेगा, निश्चित तौर पर आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आइए जान लेते हैं कि आज क्या न करें, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो आज लंबी यात्रा पर जाने से बचिएगा, आज के दिन आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी सेहत बिगड़ सकती है यात्रा में, इसलिए लंबी यात्रा पर जाने से बचिएगा। निश्चित तौर पर इन बातों का ध्यान रखें तो आज का दिन आपके लिए सफल हो सकता है। तो पंडित जी से हमने पहली तीन राशियों के बारे में जाना, अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या के बारे में। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज क्या कहते हैं आपके दिन के सितारे, कैसी रहेगी आज के दिन किस्मत आपकी। तो कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दिन की शुरुआत आपके लिए सामान्य हो सकती है, काफी दिनों से रुका हुआ कार्य आज गति पकड़ सकता है, शुरू हो सकता है। बिजनेस में आज अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, भाग्य की अनुकूलता आपको मिलती हुई दिख रही है, अपनों का साथ आज आपको प्रसन्न कर सकता है, लेकिन आपको स्वास्थ्य को लेकर, अपनी सेहत को लेकर सावधानी रखने की आवश्यकता, यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें, इस पर चर्चा करते हैं। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अपने पूजा स्थान पर कपूर आरती करिएगा, कपूर से आरती करके फिर घर से निकलेगा, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आइए अब जान लेते हैं कि आज आपको क्या नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज आपको क्या नहीं करना है। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आप किसी भी तरह के विवाद से, तकरार से, डिस्कशन से अपने आप को दूर रखेंगे, अपनी ओर से चलाकर आ बैल मुझे मार वाला झंझट मोल नहीं लेंगे, अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आ बैल मुझे मार, ऐसी कहावत बने, ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो दिन आपका सफलताओं से भरा रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी बड़ी समस्या का समाधान आप अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से आप उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जॉब से संबंधित मैटर्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, जॉब से संबंधित मामलों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, दिन भर दौड़ भाग बनी रहेगी। अपने लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से, अपने सहयोगियों से आपको विवाद से बचना होगा, डिस्कशन से बचना होगा। व्यापार में धन लाभ हो सकता है, लेकिन जोखिम भरे निवेश नहीं करना है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। आइए जान लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। शुरुआत करते हैं क्या करें भी। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अपने बुजुर्गों का, आपके घर में माता पिता और भी बड़े कोई, अगर भुआ बहन बेटी और भी कोई अगर आपके घर में कोई बड़ा है, तो उसके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, निश्चित तौर पर आज का दिन आपका सफलताओं से भरा रहेगा। आज क्या नहीं करें, इस पर चर्चा करें। आज आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि बेवजह किसी बड़े विवाद में पड़कर आपकी मान हानि हो सकती है। तो आज किसी भी तरह के लड़ाई झंझट से आपको बचना है, वाद विवाद डिस्कशन से आपको बचना है, जितना दूर रहेंगे इन सब चीजों से उतना ही आज का दिन आपका खुशनुमा बना रहेगा।
बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। सारे काम आसानी से और शांति से निपटते हुए चले जाएंगे। पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, आय बढ़ाने के जितने भी प्रयास हैं वो सफल होंगे। साथी कर्मचारियों से कहा सुनी हो सकती है, आपके जितने भी साथी कर्मचारी हैं उनसे कहा सुनी हो सकती है, इसलिए आपको बचना होगा। थोड़ी मानसिक परेशानी रह सकती है, मानसिक मेंटल स्ट्रेस रह सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें? आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को लिखने पढ़ने की सामग्री या मेहंदी के पैकेट का दान कीजिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आज क्या ना करें इस पर भी बात कर लेते हैं। आज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत कीजिएगा। ये जो आपकी एग्रेसिवनेस है, किसी ने भी कोई छोटी बात करी, मजाक में भी कोई बात करी और आपने उसका बुरा मान लिया, आपकी जो टेंडेंसी है उसको आज छोड़ दीजिएगा। छोटी बातों को जाने दीजिएगा, इधर से सुनेगा उधर से निकालिएगा, तभी आज का दिन आपका शुभ बना रहेगा। तो दर्शकों, आज बात हो रही है राशिफल की। पंडित जी ने आपको 6 राशियों के बारे में बताया, जानेंगे उनसे अगली 6 राशियों के बारे में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे राशियों के बारे में, पंडित जी ने 6 राशियों के बारे में आपको बताया, और अब चलिए उनसे जानते हैं अगली 3 राशि के बारे में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे कह रहे हैं कि आज आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाले, धन के लाभ आज आपको मिलेगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ आज आपको मिलेगा, लक फैक्टर आज आपसे 4 कदम आगे चलेगा, बशर्ते आप प्रयास करें। घर बैठे बैठे सोचें कि सब मिल जाए, ऐसा नहीं, आज आपको कर्मशील बनना है, कर्म करना है। कर्मशील बनेंगे तो आपका भाग्य साथ रहेगा, आज का दिन गोल्डन डे ऑफ लाइफ बन सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ, सेहत पर ध्यान देना है। निवेश के लिए समय अच्छा है, अगर आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो आपके लिए आज का दिन बेनिफिट होने वाला है। और अगर कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, मान लीजिए कहीं पैसा रुका हुआ है, तो वो रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिला के आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए जान लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है। तो आज के दिन की सफलता के लिए घर से निकलते ही जहाँ गौ माता दिखे या गौशाला चले जाइएगा, गौ माता की सेवा करके उसके पश्चात कार्य के लिए प्रस्थान कीजिएगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। क्या नहीं करें ये एक महत्वपूर्ण चीज है। आज दूसरों के साथ रिलेशंस में बिल्कुल स्पष्टता रखिएगा, क्लियरिटी रखिएगा, कोई भी बात गोलमाल तरीके से मत कीजिएगा। अगर आपने किसी तरीके से गोलमाल वाली बात करी तो आपके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उनके सितारे क्या कहते हैं आज के दिन के। तो वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे इसके लिए आज आपको हार्डवर्क करनी होगी, मेहनत करनी होगी। अपने काम, अपनी सेहत, अपनी रोजमर्रा की चीजों पर, अपनी दैनिक दिनचर्या के ऊपर ईमानदारी से आपको ध्यान देना होगा। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपका जो करियर है, बिजनेस है, वो अच्छा रहेगा। खर्च थोड़ा ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा, कुछ आज आपकी पॉकेट ढीली हो सकती है, आपका खजाना कुछ कम हो सकता है, आपका बैंक बैलेंस कम हो सकता है, आपके पर्स थोड़ा आज हल्का हो सकता है। परिवार में कोई वरिष्ठ सदस्य भी आज बीमार हो सकता है, बीमारी पे भी कुछ पैसा खर्च हो सकता है। आइए जानते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए लाल पुष्प पूजा स्थान पर अर्पण कीजिएगा, तत्पश्चात घर से आप बाहर निकलिए कार्य क्षेत्र में जाने के लिए, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा।
आज क्या नहीं करें, ये महत्वपूर्ण बात है। पूरी तरीके से सोच विचार करके ही भविष्य के लिए कोई स्टेप उठाइएगा, कदम उठाइएगा। कोई पुरानी समस्या जो पिछले काफ़ी दिनों से चली आ रही है, वो आज आपको थोड़ा परेशान करेगी, लेकिन अपने आप को डिस्टर्ब मत होने दीजिएगा। दिमाग को खुला रखिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, मंगल होगा। चलिए बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके सितारे क्या कहते हैं? तो धनुराशि वाले दर्शकों के सितारे कहते हैं कि आज का दिन आपका सफलताओं से भरा रहेगा। पूरे दिन काम में व्यस्त रहेंगे, इनकम में वृद्धि होगी, कोष में वृद्धि होगी, तिजोरी में पैसा आएगा, हाँ पर्स भरा रहेगा। व्यापार के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आज आपका दिन थोड़ा सरल कर देगा। मानसिक तनाव से आपको बचना है, ये ध्यान रखिएगा। आइए जान लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है। तो आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। पूरा दिन कूल बना रहेगा, सफलताओं से भरा रहेगा। आज क्या ना करें, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आज अपने साथियों के साथ टकराव से बचिएगा, डिस्कशन से बचिएगा, बहस से बचिएगा, वाद विवाद से बचिएगा। किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी विषय के ऊपर आपके हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं तो मौन रहने में फायदा है। अगर नई बात समझ में आती है, आपको लगता है सामने वाला बगैर बात के आर्गुमेंट कर रहा है, तो उसको आर्गुमेंट करने की बजाय मौन धारण कर लीजिए, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो कुल मिला के आपका दिन शुभ रह सकता है। अंतिम तीन राशि मकर, कुंभ, मीन का दिन कैसा रहेगा, चलिए ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं अंतिम तीन राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं मकर राशि के साथ में कि मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज क्या कहते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे ये कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आपको घर, ऑफिस, व्यापार, दफ्तर, इन सब में भागदौड़, खर्च, असंतोष जैसी हकीकतों का, रियलिटी का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन हर अवसर लाभ दे जरूरी नहीं है, तो डिसीजन शुड बी वेरी प्रॉपर। नौकरी पेशा जो दर्शक है, व्यापार करने वाले जो दर्शक हैं, आज का दिन सावधानी से बिताइएगा। हर वो चीज़ जो बाहर से सुंदर दिख रही हो, वास्तव में सुंदर हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती है। इसलिए सुंदरता से भ्रमित मत होइएगा, उस माया जाल में मत फंसिएगा। आइए जान लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अगर आप अपनी सोच, अपना एटीट्यूड, अपनी नेचर पॉजिटिव रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे, मिलनसार रखेंगे, तो अधिकतर बातें हैं, अधिकतर जो चीज़ें हैं, खुद ब खुद आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाएंगे। अब जान लेते हैं आज क्या ना करें। तो आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बदतमीजी मत कीजिएगा, उसको परेशान मत कीजिएगा, और ना ही किसी मामले में जिद ज़्यादा कीजिएगा। अपनी लाइफ पार्टनर की इज्जत कीजिएगा, अगर आप फीमेल है तो मेल की, और मेल है तो फीमेल की इज्जत कीजिएगा, उसको सम्मान दीजिएगा, पूरा दिन शुभताओं से भरा रहेगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे ये कहते हैं कि आपका दिन आज अच्छा रहने वाला है। कोई काफ़ी समय से कोई कला कलेश, वाद विवाद, डिस्पुट अगर चला आ रहा था, तो आज वो खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन भी आज आपकी बेटर रहने वाली है, सुधार होने वाला है। कोई नया प्रोजेक्ट, नया काम भी शुरू हो सकता है, कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे, व्यवसाय व्यापार में लाभ मिलेगा। नौकरी में, कार्यक्षेत्र में आज थोड़ा तनाव हो सकता है, उससे बचिएगा। पेट संबंधित रोग भी आज आपको परेशान कर सकते हैं। कुल मिला के वैसे दिन अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। तो आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। क्या ना करें, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिएगा, चाहे आपको सामने वाला कितना ही अच्छा क्यों नहीं लग रहा हो, बगैर उसकी हकीकत को जाने आप उसके ऊपर विश्वास मत कीजिएगा, नहीं तो आप मुसीबत में
पढ़ सकते हैं। अंतिम जो राशि मीन राशि, आज का दिन मेहनत से सफलता हासिल करने वाला रहेगा। आज आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, बिजनेस में भी रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम बना रहेगा, खर्चा थोड़ा अधिक होगा। वाहन का उपयोग आज आप संभल कर करें क्योंकि गिरने पड़ने के योग बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करना है उस पर चर्चा करते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए आज पीले वस्त्र पहनिएगा, पीला रुमाल अपने पास में रखिएगा, निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आइए अब जानते हैं आज क्या ना करें। अपना समय, अपना स्वास्थ्य और अपना धन कहीं भी उस स्थान पर दाव पर नहीं लगाइएगा जिसके बारे में आपको पूरा विश्वास ना हो। समझ गए आप? तो कुल मिला के आज आपका दिन शुभ रहेगा। तो पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को राशियों के बारे में बताया, लेकिन आज के दिन को खास बनाने के लिए गुड लक टिप क्या रहेगा ये भी बताइए। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज का विशेष गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज प्रातःकाल भगवान श्री विष्णु भगवान जी की विधिवत पूजन अर्चन करिएगा। भगवान श्री हरि का, भगवान श्री विष्णु का विधिवत पूजन अर्चन करके उनकी प्रतिमा या चित्र के समक्ष बैठकर एक साबुत पीली हल्दी, गांठ आती बाजार में, साबुत पीली हल्दी की गांठ अपने हाथ में रखकर विष्णु भगवान के 108 नामों का पाठ करिएगा। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, सीधे हाथ में हल्दी की गांठ लेकर। 108 नाम पूरे होने के पश्चात या ओम विष्णवे नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करने के पश्चात उस हल्दी की गांठ को एक पीले कपड़े में बांध दीजिएगा। पीले कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु की चित्र या प्रतिमा के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। संध्या समय में उस हल्दी की गांठ को शिव मंदिर में ले जाइएगा। वहाँ शिवलिंग पर उस हल्दी की गांठ को रखकर भोलेनाथ का विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा। शिवलिंग पर रखी हुई हल्दी की गांठ को घर लाकर वापस पीले कपड़े में बांध दीजिएगा और उसे मोली के धागे से अपने गले के अंदर उसको धारण कर लीजिए या सीधे हाथ की बाजू में उस हल्दी की गांठ को बांध लीजिएगा। क्या होगा? वो हल्दी की गांठ भगवान विष्णु के मंत्र से अभिमंत्रित होने के पश्चात, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने के पश्चात, हल्दी की गांठ यदि आप गले में धारण करते हैं, सीधे हाथ में बाजू में बांधते हैं, तो आप बन सकते हैं अरबपति। मिल सकती है आपको एक नई पहचान, मिल सकती है एक मनचाही नौकरी, मिल सकती है तरक्की, उन्नति, प्रमोशन, मिल सकती है संपूर्ण कष्टों से, दुखों से परमानेंट मुक्ति। तो दर्शकों, आज पंडित जी ने हमें राशि फल के बारे में बताया, कैसे आप अपनी राशि के अनुसार इन उपाय को करके अपना दिन खास बना सकते हैं। पंडित जी, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय रहे, शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।